गए, लेकिन आज हमारा जो गाना है ये हमारी अरदास है, ये हमारी फरियाद है, ये हमारी मांग है, ये हमारा अधिकार है। इस पर आधारित हमने सारी राजेश ठाकुर जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी एवं महासंघ का अध्यक्ष, आज जो हम यहाँ पूरे प्रदेश से जो जितने भी जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी एकत्रित हुए हैं, हमारी एक मांग चल रही थी लंबे समय से कि हमें जितने भी जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी इनको विभाग में विलय किया जाए। अभी हम जिला परिषद कैटन में जो कार्य कर रहे हैं, जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि हमें जो जितने भी वित्तीय लाभ होते हैं वो हमारे अभी जब से 2022 से 3/1/2022 से जो नया पे स्केल आया वो ना तो अभी तक हमें आज तक मिला है और ना भी जो भी हमारे वित्तीय लाभ सारे रोक दिए गए। तो हमने बार बार सरकार से भी ये मांग करी है जब से सरकार बनी है, कि हमारी जो मांग है उसको आप पूर्ण करिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक जो संदेश अभी हमें तक नहीं मिला है। जिस कड़ी में जो आज हमने यहाँ पूरे प्रदेश के जो हमारे जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारी है यहाँ एकत्रित हुए और अपना जो रोज जो है प्रकट कर, लगभग 4700 कर्मचारी है जिसमें कि हमारे पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और हमारे कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता और हमारे अपने पीएन है कुछ हमारे, तो लगभग 4700 कर्मचारी जो इससे इन सभी लाभों से वंचित है। हम 3/1/2022 से हमें जो हमारी जो सैलरी है वो फिक्स हो गई है, जितने भी 4700 कर्मचारी है हमारी जो सैलरी वो फिक्स हो चुकी है, ना हमें कोई डीए दिया जा रहा है, ना हमें छठे वेतन का लाभ दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हमने पूरा ये प्रदर्शन करने का यहाँ निर्णय लिया है और आज हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है विभाग में विलय की उसको आज उसको पूर्ण करें।